महाराष्ट्र में अब दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। तो आज इस लाइव सेशन में हम आपको बताएंगे कि दोनों ही गठबंधनों की तरफ से, चाहे हम महायुति की बात करें या फिर बात करें महाविकास अघाड़ी गठबंधन की, दोनों की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उनमें जिस प्रकार से गारंटियां दी गई हैं, वादे किए गए हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि जो महायुति गठबंधन की तरफ से जारी किया गया उसको संकल्प पत्र नाम दिया गया और इसमें 10 बड़े वादे किए गए हैं। वहीं जो महाविकास अघाड़ी की तरफ से जारी किया गया है उनके द्वारा गारंटी कार्ड जारी किया गया जिसमें 5 गारंटी दी गई है। तो इन गारंटियों पर हम चर्चा करेंगे और इस दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किसका घोषणा पत्र है इस चुनाव में, किसको कितना फायदा पहुंचाने वाला है और जो खासतौर पर महिलाओं को लेकर या किसानों को लेकर जो वादे किए गए हैं वो किस पार्टी ने कितने वादे किए हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा हमारी ये होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सहयोगी, हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट सत्येंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको बताएंगे कि इन दोनों ही जो दोनों दलों की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किए गए महाराष्ट्र में वो कितने मिलते जुलते हैं और ज्यादा फायदा है वो किसको मिलने वाला है, या फिर लुभावने वादे, मैं कहूँ कि ज्यादा लुभावने वादे हैं वो किसके घोषणा पत्र में ज्यादा लुभावने वादे हैं। तो सीधा सत्येंद्र का रुख करता हूँ और एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। सत्येंद्र थोड़ा सा बताए दोनों ही गठबंधनों के घोषणा पत्रों के बारे में थोड़ा। बिल्कुल भरत, जिस प्रकार से आपने बात की कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर महायुति गठबंधन का जो अभी घटक दल कह सकते हैं जिसमें अजीत पवार की पार्टी है जो एनसीपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी, इस प्रकार से जो महायुति गठबंधन के सहयोगी दल हैं उन्होंने अपना जो एक मैनिफेस्टो, हम उनका कहें वचन पत्र कहें, तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने अपना एक वचन पत्र लॉन्च किया है जिसके माध्यम से वो जो 2024 का विधानसभा चुनाव को धार देंगे। जो चुनाव का जो रफ्तार है उस रफ्तार को ऑलरेडी नेता रफ्तार में है और जो प्रचार प्रसार बहुत जोरों से चल रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 20 नवंबर को विधानसभा का जो वोटिंग होना है वो 23 नवंबर नतीजे घोषित किए जाएंगे, मैनिफेस्टो लॉन्च कर चुकी है। वहीं अगर हम बात करते हैं अघाड़ी गठबंधन, जहां से उद्धव यूबीटी उद्धव वाला साहेब ठाकरे की पार्टी आती है और एनसीपी शरद पवार है और कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव लड़ रही है 2024 का विधानसभा चुनाव, तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो, हम कहें चुनावी संकल्प चुनावी वादे, वो लॉन्च कर दिए हैं। अब उन जनता को ये बताना है कि किस पार्टी के लिए जो योजनाएं हैं कितनी ज्यादा कारगर है और वो किसको वोट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसके बाद में जो वहां की जनता को ये सोच करके निर्णय लेना है कि कौन सी पार्टी होगी जो उनके विकास के लिए या फिर उनके मुद्दे चुनावी मैदान के जो बातें होंगी, अभी जो मुद्दे होंगे 2024 विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय समस्याएं होंगी उनको लेकर के विधानसभा पे रखेंगे। तो इस प्रकार से उनको अपनी पार्टी या फिर हम बात करें कि जो वोटर्स हैं उनको कैंडिडेट का निर्धारण करना है और इसके बारे में हम आज जानकारी देंगे दोनों जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या मेंशन किया है। जी भरत बिल्कुल सत्येंद्र, और इन तमाम चीजों के बारे में जैसा कि खबरें निकल कर भी आ रही है और बीजेपी का जो संकल्प पत्र है महायुति गठबंधन का उसमें 10 प्रमुख वादे किए गए हैं और वहीं जो महाविकास अघाड़ी है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 5 वादे किए गए महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से जिसमें सबको मेंशन किया गया, किसान भी उसमें मेंशन है और जो बेरोजगार हुआ है वो भी मेंशन है। तो सत्येंद्र हमारे साथ सतीश भी जुड़ चुके हैं, एक टिप्पणी पहले सतीश जी भी ले लें कि वहां पर जो है उनकी जो पार्टी है घटक दल है महायुति गठबंधन की, तो महायुति गठबंधन की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है महाराष्ट्र के अंदर इसके बारे में क्या कुछ कहना है सतीश का। क्वेश्चन दोहराएंगे भरत एक बार। सतीश भरत का कहना है कि महाराष्ट्र के अपना प्रश्न दोहराइए। जी बिल्कुल भरत, मैं बता सतीश मैं आपको बता दूं कि भरत का कहना है जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 का होने वाला है भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं,
जनता से कि अगर भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन का हिस्सा है जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने जो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो 10 वादे में लाड़ली बहन की राशि में इजाफा सहित इस प्रकार से जो 10 गारंटियां हैं वो महाराष्ट्र सरकार को देंगे अगर दोबारा से सरकार वहां पे बनती है भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल की, तो इस पे आप क्या कहेंगे जो लाडली बहना है? क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जिस प्रकार से लाडली बहना या फिर मध्य प्रदेश में हम बात करें इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो योजना झारखंड के अंदर चल रही है उस योजना के प्रत्युत्तर में अगर हम बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी वहां पे लॉन्च कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी लॉन्च किया है, तो जो 10 बड़ी खबरें हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो 1500 रुपए भी दे रही है और वो कह रही है कि हम आगे इसको 2100 रुपए करने का वादा करते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सरकार में आती है, तो इस प्रकार की जो 10 गारंटियां है या फिर हम बात करें कि जो 10 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है अपना जो वचन पत्र है अगर वो चुनाव जीतती है उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्येंद्र, सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र की जनता पावन माटी को प्रणाम करते हुए वहां की जनता का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का आज नेतृत्व तो आदरणीय मोदी जी के हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं बल्कि अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करती है। संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में शाब्दिक आपको दिख रहा होगा लेकिन वास्तविक अंतर बहुत ज्यादा होता है। घोषणा पत्र होता है वो जिसमें जो वादे करती आई अभी तक अन्य संगठन, उन्होंने वादे तो किए लेकिन वो कभी धरातल पे दिखे नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संकल्प पत्र रखा है जिस राज्य में या राष्ट्र में उस पे 100% कार्य पूर्ण करने की इच्छा से आई है। ऐसे ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प लिखे जो असंभव लगे करना, लेकिन वो धरातल में उतरे भी और संभव भी आज दिख भी रहे हैं। कश्मीर से 370 हटेगी, ये भारतीय संकल्प भारतीय भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तब से था, लेकिन विपक्ष हमेशा कहती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये असंभव है, अगर हुआ तो कश्मीर में आग लग जाएगी, एक चींटी नहीं रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। राम मंदिर दूसरा एक ऐसा मुद्दा जो विपक्ष पूरा उत्तर प्रदेश कहता था राम मंदिर के विषय में अगर हाथ लगाया तो गृह युद्ध होगा या राज्य में आग लग जाएगी, एक चींटी नहीं मरी, किसी एक व्यक्ति को एक भी परेशानी नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में लिखा हुआ मुद्दा पूर्ण किया और भगवान श्री राम आज पूरे वैभव के साथ अयोध्या में राम मंदिर पर विराजमान है, प्रथम दीपावली वहां पे मनाई जा चुकी है। इसी प्रकार से जो 10 विषय भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखे हैं वो पूरी तारतम्यता के साथ सरकार भी बनेगी और वो संकल्प पत्र में जो किए गए वादे हैं वो पूर्ण भी किए जाएंगे। सतीश, जनता पार्टी ने जो हमारे दर्शक रहे उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी, भरत एक ये सवाल आपसे भी रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कहा है कि जो अभी वर्तमान में वो 1500 रुपए दे रहे हैं इसको बढ़ा करके 2100 रुपए करने का वादा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही ये कह रही है जो महिला सुरक्षा के लिए 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में तैनाती का वादा किया हुआ है कि जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर वो 25,000 महिलाएं पुलिस में ली जाएंगी, तो आपको क्या लगता है कि जो महिला वोटर्स हैं इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, फिर हम यह कहें महायुति गठबंधन जो महाराष्ट्र के अंदर है, इस योजना के माध्यम से कितना कारगर ये योजनाएं होंगी और इसका कितना फायदा मिलता दिख रहा है? बिल्कुल सत्येंद्र, और जिस प्रकार से आपने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पर 1500 रुपए महिलाओं को दे रही है लाडली बहना जो उनका गठबंधन है इन लाडली बहना योजना के नाम से 1500 रुपए दे रही है और 2100 उन्होंने बढ़ाकर देने की बात कही है,
और साथ ही साथ जो दूसरी बात आपने कही है कि महिला सुरक्षा, ये खासतौर पर एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं पर अब जो गठबंधन है, महायुति गठबंधन की जो सरकार है, सरकार से ये पूछ रहा है कि जो और इसको लेकर कई सारे निशाने साधा, उसके बाद से अब जो है बीजेपी और जो सहयोगी दल है महायुति गठबंधन की तरफ से जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, संकल्प पत्र नाम जिसको दिया गया है, उसमें 25,000 महिलाओं को पुलिस में जो है भर्ती देने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जवाब भी उनको देना ही है इस बार की। इससे पहले भी गवर्नमेंट रहे, तब इस प्रकार की चीजें क्यों नहीं वहां पर हुई है? गठबंधन की सरकार थी, अपने वहां पर जो पार्टियां थी, पार्टियों को दो भागों में डिवाइड कर कर अपनी अपने सरकार बनाई, उस टाइम पे भी आप इस प्रकार की तमाम चीजें कर सकते थे, लेकिन अभी जो है जरूर उन्होंने बात कही है महिलाओं को, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से अगर महिलाओं की बात है तो महिलाओं को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से जो उनकी गारंटी जारी की गई है उसमें महिलाओं को 3,000 रुपया प्रति माह देने की बात कही है उसमें, और इसके साथ ही साथ महिलाओं को जो वहां पर सरकारी बसें चलती हैं बसों का किराया फ्री मुफ्त करने की बात कही है। तो दोनों ही गठबंधनों की तरफ से कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की योजनाएं सदन में चलाई गई हैं, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा जो है जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक अगर महायुति गठबंधन के नेता जोर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खड़ी कर रहे हैं, अन्य दल और जो विपक्षी दल है वहां पर महाविकास अघाड़ी के जितने भी दल हैं, क्योंकि अभी सरकार में महायुति गठबंधन है और एकनाथ शिंदे जी वहां पर सरकार चला रहे, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जरूर उनको सामना करना पड़ रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भारत जो महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें कि महायुति गठबंधन की अभी वर्तमान में सरकार है और महायुति गठबंधन को एंटी इनकम्बेंसी है वो सामना करना पड़ रहा है, और जिस प्रकार से ये वादे किए हैं कि महिलाओं के लिए 2100 रुपए दिए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो पत्र हैं, जो उनके नेता हैं, हम बात करें कि महाविकास अघाड़ी में राहुल गांधी की बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, फिर या फिर हम बात करें उद्धव बाला साहेब ठाकरे की बात करें, और अगर हम बात करें कि जो शरद पवार हैं एनसीपी की तरफ से, तो इन्होंने ये कहा है कि वो 3,000 रुपए देंगे। भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे महिलाओं को ये कहा है कि 1,500 रुपए से बढ़ा करके 2,500 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन वहीं पे जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उन्होंने कहा है साहब हमको बता दे, हमको हम आपको 2,500 की जगह देंगे। तो आपको क्या लगता है इस केस में जो महिलाएं हैं, महिला वोटर्स हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे जो ये लग रही है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन, या फिर हम बात करें तो ये 3,000 रुपए की ही बात कर रहा है, और बेरोजगार जो युवा होंगे उनको 4,000 रुपए महीना दिया जाएगा, लेकिन जो 25,000 महिलाओं को अलग से महायुति गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल या घटक दल हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार आती है तो वो 2,500 रुपए तो महिलाओं को देंगे ही, साथ ही साथ जो महिला जो पुलिस बल में महिलाओं को लिया जाएगा उसकी संख्या, तो भारत क्या लगता है एक तरफ 3,000। जी सत्येंद्र, मैं चाह रहा हूं कि हम एक-एक बातों को लेकर और एक-एक समुदाय को लेकर अपने इस लाइव सेशन में चर्चा करें ताकि दर्शक समझ सके वहां पर जो महिलाएं हैं, किसान वोटर्स है, युवा बेरोजगार वोटर्स है, और इस प्रकार के जितने भी लोग हैं और बाधित किए जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, तो एक-एक करके टॉपिक वाइज मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों को बताएं। तो मेरा सबसे जी पहला मानना यही है कि हम क्योंकि महिलाओं को लेकर एक देश में बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे देश के अंदर, कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को अपने पक्ष में हर एक पार्टी करने का प्रयास कर रही है, चाहे हम किसी भी राज्य के चुनाव चुनाव को उठा लें, तो जी मेरा जो है कि सबसे पहले महिलाओं के लिए हम चर्चा करें, और जो पहला मुद्दा वहां पर है महिलाओं के लिए दोनों ही पार्टियों के जो मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र जारी किए गए हैं,
उनमें जैसा हमने बताया ये कि अभी जो है वहां पर लाडली बहना योजना चलाई जा रही है एक नाथ शिंदे और मायावती गठबंधन की सरकार के द्वारा, जिसमें 1500 रुपए दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 2021 नहीं सकते 2000 रुपए देने की बात कही है उनके गठबंधन ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें। और वही एक और बड़ी चीज है आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वहां पर, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता है इनकी भी सैलरी बढ़ाकर महिलाओं के लिए, मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ खासतौर पर महिलाओं के लिए 15,000 रुपए और साथ ही साथ जो सुरक्षा है सुरक्षा की गारंटी भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। इसके अलावा जो तीसरी बात आपने कही थी कि 25,000 महिलाओं को वो पुलिस भर्ती में दिया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, ये तीसरी बड़ी चीज है जो तीन चीजें महिलाओं के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के अंदर कही है। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन एक बात बस यही है कि अभी हाल ही में उनकी सरकार वहां पर है और उस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि ये योजना है वो पहले भी लागू कर सकते थे लेकिन नहीं की। एक चर्चा और मैं मेरे को थोड़ा सा कांग्रेस और जो उनका गठबंधन है महाविकास आघाड़ी उसके बारे में भी, महिलाओं के बारे में उनने क्या कुछ कहा है अपने गारंटी कार्ड में वो भी बता दो, इसके बाद से आपके पास आऊंगा और इस पर चर्चा करूंगा। जो महाविकास आघाड़ी है उनने अपनी तरफ से जो योजना लागू की है उसका नाम उन्होंने दिया है महालक्ष्मी योजना, जिसमें महिलाओं को 3,000 रुपया प्रति माह देने की बात कही है। और वहीं एक और वादा इसी के साथ महिलाओं के लिए किया है कि सरकारी बसें हैं जो उनमें फ्री यात्रा कराएंगी, मतलब अगर उनकी गवर्नमेंट वहां पर आती है तो। ये दोनों ही पार्टियों दोनों ही गठबंधनों की तरफ से खासतौर पर महिलाओं के लिए ये चर्चा की जा रही है। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा सा आप बताएं कि अब क्या लगता है किसका जो मैनिफेस्टो है महिलाओं के लिए ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होगा इस चुनाव में? बिल्कुल भरत, अगर महिलाओं की दृष्टि से है, जो पहला सवाल आपने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी अभी वहां पे उनकी सरकार भी है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं जो महायुति गठबंधन का ही हिस्सा है, तो जो महिलाओं के लिए वादे किए हैं वो सतीश से मेरा सवाल रहेगा कि सतीश अगर इसका जवाब देते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि सतीश जो आपने 1500 रुपए से लेकर महिलाओं को 2000 या 2100 रुपए कर रहे हैं वो आपने चुनाव के समय पे ही क्यों घोषणा की, अपने बजट पत्र में लिखा, चुनाव से पहले भी कर सकते थे। जो आपने भर्ती की बात की है तो भर्ती वो 25,000 वो इससे पहले भी हो सकती थी, चुनाव के बाद ही क्यों होगी। और जो आपने कहा है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को 15,000 रुपए उनका जो वेतन है जो आशा कार्यकर्ता है और साथ ही सिक्योरिटी की बात करी सुरक्षा की बात करी है वो 15,000 कर दिया जाएगा, तो सतीश आप मुझे बताएंगे कि ये चीज तो चुनाव से पहले भी हो सकती थी और चुनाव के ठीक समय पे इसकी घोषणा क्यों की है, सरकार बनने के बाद चुनाव के पहले क्यों नहीं किया। और जो दूसरे सवाल है उनके सवाल का जवाब मैं देता हूं, तो जवाब हम सतीश से लेते हैं। जी सतीश बताएं। बिल्कुल सत्येंद्र, महिला सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण दो विषय भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से तो कभी भी राजनीतिक नहीं, राजनीति का विषय नहीं रहा, ये कार्यनीति का विषय है। ये दोनों मुद्दे बहुत आवश्यक हैं और इन पे पूरी तारतम्यता से भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई तब से और उसके पहले अटल जी के कार्यकाल में भी पूरे प्रयास किए गए मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए। अब आपने कहा कि ये कार्य पहले क्यों नहीं हुए, पहले भी आपके गठबंधन की सरकार थी, अभी एक खटाखट वाली सरकार आई थी और उन्होंने यूपी में घोषणा करी कि 8500 रुपए प्रत्येक महिला को एक खाते 8500 रुपए मंथली, मतलब 1,00,000 से अधिक कुछ था उनका हिसाब किताब, वो खटाखट खाते में जाएंगे। लेकिन अगर उसका होल हिसाब निकाल के देखा जाता है तो यूपी के बजट से ऊपर होता वो, तो कैसे दे पाती। तो ऐसी झूठी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वो ही वादे करेगी जो भारतीय भारत के बजट में या राज्य के बजट में होता है उसी हिसाब से। हमने कहा
ये तो मध्य प्रदेश में भी हमने लागू किया था और चुनाव नहीं था वहां पे जब लाडली बहना आई थी। लाडली बहना योजना हम मध्य प्रदेश में लेके आए थे सर्वप्रथम हमने। संदीप जी एक सवाल है इसी बीच में, जिस प्रकार से सतीश ने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं जब से भी आपकी गवर्नमेंट ने लाडली बहना योजना लागू की है, तब से जब जब लाडली बहना योजना का पैसा महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, हम मानते हैं निरंतर पैसे डाल रहे हैं, लेकिन तब तब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है मध्य प्रदेश सरकार को। इस किसकी जिम्मेवारी है, किसके ऊपर लोन पड़ रहा है, कहां से लोन रहे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल, ये सामर्थ्य होती है ये। हाँ सत्येंद्र आप क्वेश्चन दोहराएं। जी 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 बताइए। हाँ मेरा सवाल यही है अभी जो आपसे दोबारा से सवाल को लेते हैं, आप इसका जवाब जनता को दीजिए। मैं दोबारा से सवाल रिपीट करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो वचन पत्र या संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के अंदर वो कह रही है कि हम जो अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करेंगे, करने का वादा किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा बल में वो 25,000 कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए भी कहा है कि जो आंगनबाड़ी के जो आशा वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपए कर दी जाएगी, उनका वेतन 15,000 रुपए कर दिया जाएगा। तो इस दृष्टि से सवाल का जवाब सतीश से, क्योंकि सतीश भारतीय जनता पार्टी ये था चुनाव के ठीक पहले ही इनकी घोषणा क्यों की गई, चुनाव से पहले भी हो सकता था, चुनाव के समय पे ही क्यों किया, तो इसका जवाब हम सतीश से ले रहे थे। और फिर जो दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की घोषणा दे रही है और सेम महिलाओं के लिए जो कुछ अलग घोषणाएं हैं अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस पार्टी हम कहें या फिर हम कहें महाविकास अघाड़ी गठबंधन, उन्होंने भी घोषणा की है। तो दोस्तों हम बताएंगे कि दोनों की घोषणाओं में किसको ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है और किस ओर महिला वोटर्स का झुकाव रहेगा। तो जी सतीश, अपने जो जवाब है वो आप जवाब पूरा कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है, आप अभी जो बता रहे थे कि पूरा एक उसका निकालना पड़ता है, एक आइडिया लगाना पड़ता है कि जो सरकार है वर्तमान सरकार, वो राज्य का जो बजट है, बजट के हिसाब से काम हो रहा है। उसमें भी एक सवाल था कि अगर बजट के हिसाब से काम हो रहा है तो मध्य प्रदेश के अंदर तो जब जब ये पैसे डालने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जेब है वो तो खाली हो चुकी है, उसको बजट को या कर्ज को चुकाने के लिए जो लाडली बहना योजना है वो कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ता है हर एक 3 माही में, और ये सुनने को आता है। तो ऐसा क्यों, अगर बजट का ध्यान रखा था तो फिर कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? जी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्हें हम लोग प्यार से मामा कहते हैं, उनके नेतृत्व में 2003 से अभी तक मध्य प्रदेश चला, अभी वर्तमान में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तो जब से माननीय शिवराज सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने तब से अभी तक 7 बार कृषि अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल चुका है। भारत का सबसे साफ सुथरा शहर या राज्य मध्य प्रदेश में उपलब्ध होता है। मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य कांग्रेस ने बना के छोड़ा था, उसे आज विकसित राज्य के रूप में अगर किसी ने खड़ा करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा करा है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये सामर्थ्य है कि अगर लाडली बहना को पैसे दे रही है तो किसान इसी मध्य प्रदेश का किसान उतनी ही अच्छी उपज पैदा करके और उसकी भरपाई करने की सामर्थ्य रखता है। मध्य प्रदेश आज पूर्ण शक्तिमान राज्य है और अपनी समस्याओं से निपटने की सामर्थ्य रखता है भाई साहब। बिल्कुल, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के कारण हो पाया है। जवाब है, हमारे दर्शक सुन रहे हैं और दर्शक जो वहाँ का जो चुनाव है 2024 का विधानसभा चुनाव, तो बिल्कुल अपनी जो मोहर है इस सवाल के जवाब में कितना सही होता है वो दर्शक जरूर अपना देंगे, और इसके रिजल्ट के रूप में जो 23 तारीख को रिजल्ट नतीजे आएंगे वो आपको देखने का मिलेगा। लेकिन जो दूसरा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे, लेकिन वहीं कांग्रेस कह रही है दर्शकों कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को जो महालक्ष्मी योजना है योजनाओं के तहत 3,000 रुपए प्रति माह देगी, और साथ ही जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर सरकारी बसें हैं
तो मुफ्त में परिवहन की सुविधा करवाएगी, यानी कि महिलाएं पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक फ्री में सफर कर पाएंगी बस के अंदर, जो सरकारी बस है। तो इसमें दोनों जो योजनाओं हैं, दोनों योजनाओं में महिलाओं को ज्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलता दिख रहा है? तो मुझे लग रहा है भरत, कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बाजी मारती दिख रही है, क्योंकि एक और आप सिर्फ 2100 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को, कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 3000 देंगे, और कांग्रेस पार्टी साथ ही ये कह रही है हम सभी महिलाओं को फ्री में ट्रेवल कराएंगे महाराष्ट्र के अंदर। आज जिस प्रकार से जो हम बात करें कि अगर आप फेयर में जो वृद्धि हुई है, जिसको जो एक नॉर्मल वर्ग का लोग है, जमीन स्तर के लोग हैं, उनका जो खासा प्रभाव उसके उनके जेब पे पड़ता है, तो मुझे लगता है कि जो ये दो योजनाएं हैं, महाविकास अगाड़ी लॉन्च कर रही है, कहीं ना कहीं इस योजनाओं का जो महिलाओं का झुकाव या रुझान है, इन योजनाओं के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में महिलाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ इस योजनाओं से इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सत्येंद्र, कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस और महाविकास अगाड़ी को मिलने का चांस है, बस बीजेपी की तरफ से एक है कि जो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं 25,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती करेगी जो है महायुति गठबंधन, सागर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं, जो बच्चियां हैं इस एज के अंदर तैयारी कर रही है कहीं ना कहीं पुलिस बल की या फिर इस प्रकार की गवर्नमेंट नौकरी को पाने के लिए, तो वो वोटर्स कहीं ना कहीं जरूर बीजेपी और इस योजना जो है महिलाओं को 25,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती देने के लिए थोड़ा सा प्रेशर रखती है मुझे लगता है।